मारवाड़ी में डे आप देख रहे हैं। आज है 29 सितंबर 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के समर्थन में हरियाणा के किसान भी आ गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वह 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रॉलियों पर सोने के लिए गद्दे भी किसान साथ लेकर आए हैं। वैसे आपको बता दूं, रेल रोको आंदोलन से 25 ट्रेनें प्रभावित हुई है और हजारों यात्री स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। वैसे किसानों का कहना है कि बाढ़ और बरसात से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसानों की न तो अभी तक गिरदावरी हुई है और न ही उन्हें मुआवजा मिला है। जिन्हें मिला भी है वह बहुत कम है। किसान संगठनों का कहना है कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। 7 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर आ रहे हैं। यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम करेंगे। श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन के बाद पीएम आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले भी पीएम मोदी 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में बनेगा। इस ट्रैक का निर्माण उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर नावा सिटी के पास इसे बनाया जा रहा है। इस ट्रायल ट्रैक पर वंदे भारत, हाई स्पीड लोकोमोटिव और रेगुलर ट्रेनों का ट्रायल रन होगा। वैसे आपको बता दूं, यह टेस्ट ट्रैक 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है। यह भारत का पहला ऐसा ट्रैक होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षण सुविधाएं होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल गोविंद राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा है कि किसान अगर मुझसे नाराज है तो भाजपा को वोट दे दे। मंत्री मेघवाल उस समय 23 में आ गए जब उनके जयपुर स्थित सरकारी बंगले पर पहुंचे किसानों ने खाजूवाला छतरगढ़ को फिर से बीकानेर में मिलाने के मुद्दे पर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा, 4.5 महीनों से हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। इसी बात पर गहलोत सरकार के मंत्री मेघवाल भड़क गए और कहा कि आप नाराज होकर चले जाओ और वोट बीजेपी को दे देना, बात खत्म। अब मंत्री मेघवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और छात्र छात्राओं को समय पर आना ही होगा। बड़ी खबर यह है, अब इन सब की हाजिरी मोबाइल ऐप से दर्ज करवानी होगी। इससे समय और लोकेशन अपने आप आ जाएगा। इसकी शुरुआत गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से होगी। ऐप के माध्यम से शिक्षकों स्टाफ लॉगिन से इस मोबाइल ऐप पर पहले खुद की हाजिरी दर्ज करवानी होगी, उसके बाद अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इससे विद्यार्थियों का रियल टाइम और डाटा साला दर्पण पोर्टल पर आ जाएगा। सभी शिक्षक व संस्था प्रधानों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवा दिया गया है। यानी कि अब शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी स्कूल में समय पर पहुंचना होगा, क्योंकि अब लोकेशन के साथ ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। दरअसल कई स्कूलों में शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल लेट आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश का दौर अब थमने लगा है। अब केवल गिने चुने स्थानों पर ही बारिश रह गई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के केवल 5 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में ही हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के बाकी हिस्से में मौसम लगभग साफ रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा
धारकों के परिजनों को बीमा राशि के चेक सौंपे। राजस्थान को ऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा के 11 लाभार्थियों को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की ऋण माफी, पृथक कृषि बजट, कृषक कल्याण कोष का गठन या फिर 2000 यूनिट कृषि बिजली फ्री, इन सभी योजनाओं ने किसानों का जीवन बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है। जयपुर में खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोप वे में बैठकर अब मां वैष्णो देवी माता के दरबार में सिर्फ 5 मिनट में दर्शन कर सकेंगे। वैष्णो माता मंदिर में जाने के लिए करीब 138 सीढ़ियां हैं। इनके माध्यम से पहुंचने में करीब 45 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब रोप वे से 5 मिनट में वैष्णो माता मंदिर श्रद्धालु पहुँच सकेंगे। अच्छा, आपको बता दूं, राजस्थान का यह पहला रोप वे है जिसमें ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म है। ट्रॉली जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगी वैसे ही इसके गेट ऑटो लॉक हो जाएंगे। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।